रायगढ़ में शहर के निकटतम ग्राम मनु वापरी में करीब 20 स्कूली छात्राएं अपने पालकों और जन प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट के पास पहुंची। कलेक्टर के पास आई छात्राओं का कहना था कि उनके गांव में उड़ीसा से आकर रह रही एक महिला अपने पुरुष साथी के साथ मिलकर गांव में शराब बेचने जैसा गैर कानूनी काम करती है। उसकी वजह से गाँव में असामाजिक तत्वों को लगातार आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण स्कूल आने जाने वाली छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशान होकर जब गांव वालों ने उन्हें समझाइश दी तो उक्त महिला और उसका साथी उनसे विवाद करने लगा। इस क्रम में ग्रामीणों ने दोनों के खिलाफ थाना चक्रधर नगर में लिखित शिकायत पेश की, परंतु लंबे समय तक कार्यवाही नहीं होने के कारण आज उन्हें कलेक्ट्रेट के पास गुहार लगानी पड़ी। किन मांगों को लेकर आप कलेक्टर साहब के पास आए हैं? हम लोग ना बस में स्कूल जाते हैं तो एक तो लेडी हम लोग के गांव की और हम लोग बस में चढ़ के हम लोग को बहुत गाली दी है, इसीलिए आए हैं। और उस लेडी का ना बहुत केस भी है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग उसके साथ ना एक तो और गैर मर्द भी रहता है ना, तो हम लोग के गाँव से निकल जाए। क्या समस्या है? अपन तो यहाँ माननी एक लेडी से है, अपन नाम मानसी जना है। अपन एक की बाहर के आदमी ला राखी से अपन शुक्रवार के लड़का मन स्कूल जाते रही जाम गाँव, तो वहाँ लड़का मन के झमेला होगी शुरू भी दूठी लड़का रही, तहाँ वहाँ अपन सावधान नहीं करके नहीं वो बाहर के आदमी हर चढ़ गई आ तुमला बर्बाद कर दी, मार दी फेंक दी हमको लड़का मन गम की थी बच्चा मन ला। हाँ तो अपने बोरा मन तो महिलाओं का काम करते लड़की और दारू बेचते दारू सप्लाई करते आनते कंपनी के गेट में रखते बाहर में रखते इसे झूला में भी धर के किन्नर तोड़ते। तो पहले शिकायत नहीं करे क्या बार कर सके थाना वाला और अमन थाना पहुँच जाथन जो खाली मानसी जाना ला तुमन देखे हो अपर केस में तुमन आथ ओके हमला उल्टा अमन हमारे शिकायत तार मैंने अमन नहीं सुने के बार कर। ये मामला है इसका कि हिमांश जीना जो है वो गांव में शराब की बिक्री करता है और एक है उड़ीसा का उसको लेके आया है और उसको मैंने दादागिरी टाइप का रखा है, किसी को भी हो जाके दादागिरी कर दे रहा है। बच्चे लोगों के अभी ये हाल हाल में खोल वोल मैंने बच्चे लोगों को धमकी दिया है कि गाली गलौज मैंने मेरे लड़की को क्यों आप लोग बस से उतार दिए बोल के मारपीट भी किया और ड्राइवर को ड्राइवर को धमकी चमकी ऐसे दिए हैं। अब बच्चे लोगों को भी धमकी दिए हैं कि घर में मत बोलना कोई, अगर बोलोगे तो तुम लोग भी देख लेना ऐसे बोल के मारने पीटने का धमकी दिया है। धमकी दिया है इस संबंध में थाना में भी शिकायत किया गया? नहीं, इस संबंध थाना में नहीं किए थे, अभी आ रहे हैं उसको पहले किए थे दारू केस का लेकिन इंक्वायरी नहीं हुआ। रायगढ़ से केके न्यूज़ संवाददाता नवरतन की रिपोर्ट। कायता के पास ग्राम नानूखेड़ा निवासी भारतीय सेना के जवान सुनील गुर्जर विगत दिवस दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान जवान सुनील गुर्जर ने आखिरी सांस ली। क्षेत्र के होनहार युवक और भारतीय सेना के जवान के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। कायता से केके रिनू संवाददाता अजय नारंग की रिपोर्ट।